तो दोस्तों आज हम बात करेंगे इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक के बारे में। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के स्टॉक में नेक्स्ट ट्रेडिंग वीक के लिए क्या सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल सकते हैं, उसके बारे में आज इस वीडियो में बात करेंगे हम। अगर यहाँ पर स्टॉक की बात करें तो हम देखेंगे जो स्टॉक है ये हमको पहले लगा था यहाँ पर डाउन ट्रेंड में देखो मिला था, पहले हमको यहाँ पर स्टॉक में लगा था यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही थी, लेकिन फिर स्टॉक ने यहाँ पर सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद से अभी हमको यहाँ पर स्टॉक में अगेन यहाँ पर रिकवरी देखने को मिल रही है। आज भी हमको यहाँ पर स्टॉक में 2.51% की यहाँ पर तेजी देखने को मिल रही है। आज के तेजी से हमको यहाँ पर स्टॉक का ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। ब्रेकआउट की बात करें तो जो स्टॉक है पिछले कुछ समय से यहाँ पर लगा था 93.40 का जो लेवल है इसी के नीचे यहाँ पर ट्रेड करा था, लेकिन आज स्टॉक ने यहाँ पर इसको भी यहाँ ब्रेक किया है। तो यहाँ से अब हम स्टॉक में बात करें यहाँ से अभी हमारे पास स्टॉक में 94.90 का पहला यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक में 96.35, इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक है 101, और अगर स्टॉक यहाँ पर इसको भी ब्रेक करता है देन यहाँ से हमको स्टॉक है 106, और इसके बाद हमको यहाँ पर स्टॉक में 112-115 के लेवल्स में यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं एज अ नेक्स्ट आप रजिस्टेंस। वहीं यहाँ से अब अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो यहाँ से अब गिरावट की कंडीशन में हमारे पास स्टॉक पर 93.40 का पहला यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। अगर स्टॉक इसको ब्रेक करेगा देन यहाँ से हमको स्टॉक पर 91.60, और अगर यहाँ पर स्टॉक ने इसको यहाँ ब्रेक किया देन यहाँ से हमको स्टॉक में 88.95 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे एज अ नेक्स्ट आप सपोर्ट। तो एक स्टॉक में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, आप इन पर ध्यान दे सकते हैं। बाकी वीडियो में कोई बाय सेल होल्डिंग की सलाह नहीं है, वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। धन्यवाद।